प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम समांतर श्रेणी के अंतिम पदों को ज्ञात करने के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली है, पाँच पॉइंट दो क्लास 10वीं। देखें तो यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद सवां पद और 17वां पद क्रम से उन्नीस और 41 हैं, हों तो उसका 40वां पद ज्ञात करो। पहले वाले क्वेश्चनों से ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। पहले आपको श्रेणी के अंदर क्रमागत पद दिए गए थे, लगातार पद दिए गए थे, ऐसे कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे क्रमवाइज पद दिए हुए थे। लेकिन इस श्रेणी में क्या किया इसने कि एक तो 6वां पद दिया है, यानी A6 का मान दिया है, और फिर कोई मान नहीं है, फिर आपको सीधा चल करके 17वां पद दिया है, यानी A17 दिया है, यानी कंटिन्यू पद नहीं है। एक छठा पद है, एक 17वां पद है, बीच में कोई मान नहीं है, स्टार्टिंग में कोई मान नहीं है। ऐसी श्रेणी से जब हमें कोई पद आगे ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें दो समीकरण बनानी पड़ेंगी जो पद दिए हैं उनकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A6 बराबर A+5D होता है। अगर A6 बराबर A+5D होता है तो हम लिख सकते हैं कि A+5D बराबर 6वां पद जो है वो 19 दिया है। 6वां और 17वां क्रम से दिए हैं ना, तो 6वां पद हो गया 19 और 17वां पद हो गया 41। तो A+5D बराबर 19 हो गया, यानी कि ये 6वां पद है। और 17वां पद जो A17 है वो A+16D होगा। एक डी कम लिया जाता है इससे, जब भी कोई पद लें तो एक डी कम लिया जाता है पहले पद में। कोई भी पद जब हमें ज्ञात करना हो, A1, A2, A3, A4, A5, तो हम कोई भी पद ज्ञात करें, A2 ज्ञात करना है तो A+D लिखा जाएगा, यानी पहले पद के अंदर सर्व अंतर जोड़ा जाएगा। A3 लिखें तो फिर A+2D जोड़ा जाएगा, यानी पहले पद के अंदर सर्व अंतर को 2 से गुणा करके जोड़ते हैं। A4 अगर लिखा जाएगा तो A+3D जोड़ा जाएगा। जितना जो भी पद ज्ञात करना होता है उससे एक कम करके D से गुणा कर दो और उसको पहले पद में जोड़ दो, तब वो पद आता है। इसी के अकॉर्डिंग 6वां पद ज्ञात करना हो तो A+5D, 17वां पद हो तो A+16D। यहाँ पे ज्ञात नहीं करना, दिया हुआ है पद, 6वां दिया हुआ है 17 तो 19, तो 19 बराबर लिख दिया। 17वां दिया हुआ है तो उसको भी बराबर लिख देंगे। A+16D का मान दिया है हमें 41। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से जब छोड़ छोड़ करके बीच बीच में पद छोड़ दिए जाएंगे और पद हमें दिए हुए मिलेंगे छोड़ करके, तो हमें इस प्रकार 2 समीकरण बनानी पड़ेंगी और उन दोनों समीकरणों पर फिर विलोपन विधि लगा करके या प्रतिस्थापन विधि लगा करके, जो 9th क्लास में एक टॉपिक लगता है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना, तो उसमें से कोई विधि लगा करके हम आगे D और A के मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो मैं इसके ऊपर विधि लगा रहा हूँ। यदि हम विलोपन विधि लगाएं
तो नीचे वाली संख्या के निशान घटाने पर बदल जाते हैं, घटाओ करेंगे, घटाने पर नीचे वाली संख्या के निशान बदल जाएंगे, ए प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये 16 डी प्लस का है माइनस हो जाएगा, 41 प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगी, एक ए प्लस की और एक ए माइनस की है, 16 डी में से 5 डी चला जाएगा क्योंकि 16 डी माइनस का है, 5 डी प्लस का है, तो माइनस का बच जाएगा 11 डी बराबर 41 में से 19 हम घटाएंगे क्योंकि 19 प्लस का है, 41 माइनस का है, तो माइनस के 22 बच जाएंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का मान ज्ञात करना है तो 22, ये 11 जो गुणा में है ये भाग में आ जाएगा, यानी डी बराबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें श्रेणी का सर्व अंतर पता चल गया है, डी सर्व अंतर को बोलते हैं। और ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, प्रथम पद को ए बोलते हैं, सर्व अंतर को डी बोलते हैं, जो अंतर होता है पदों के बीच में उसको डी बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इनमें दो दो का अंतर है तो डी, इसी को सर्व अंतर बोला जाता है। अंतिम पद को एन बोलते हैं और पदों की संख्या को एन बोलते हैं, पदों की संख्या को एन बोलते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास डी का मान तो आ ही गया है, ए का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो डी का मान समीकरण एक में रख देंगे, यानी कि डी का मान समीकरण एक में रखने पर रखें तो देखिए ए का ए आ गया प्लस 5 गुणा, 5 के गुणा में डी है ना, तो डी का मान रख देंगे 2 और बराबर हो जाएगा 19। अब देखिए ए प्लस 5 गुणी 10 बराबर 19, ए बराबर 19, ये 10 यहाँ प्लस का इधर माइनस का, तो ए बराबर मान आ गया 9। अब ए का मान आ गया हमारे पास, डी का मान आ गया, अब पद हमें निकालना है 40वां, तो ए 40 निकालना है, 40वें पद को ए 40 बोलेंगे और ए प्लस 39 डी हो जाएगा 40वें पद का मान। ए का मान हमारे पास 9 आ गया, 39 गुणा में डी का मान हमारे पास 2 है, 9 प्लस 39 गुणे 78 ये आ जाएगा 87। इस प्रकार से जब छोड़ छोड़ के पद हमें दिए जाएं और फिर कोई अन्य पद पूछा जाए तो दो समीकरण बना करके डी का मान आएगा पहली में से दूसरी घटाने पर। डी के मान को दोनों समीकरणों में किसी में भी रख सकते हैं, हम पहली में भी रख के निकाल सकते हैं ए का मान, दूसरी में भी रख करके ए का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहली में रखा है मान ए का ए प्लस आगे 5 के 5 गुणा में डी के स्थान पर मैंने 2 लिया है और बराबर 19 दिया ही है, और यहाँ पर ए प्लस 5 गुणा 10 बराबर 19, ए बराबर 19, ये 10 यहाँ प्लस है इधर जाएगा, बराबर को क्रॉस करने के बाद माइनस हो जाएगा, ए का मान 9 बच गया। अब ए 40 निकालना है, ए 40 का सूत्र आपको बताया, ये 1 डी कम करके और ए पहले पद में जोड़ना है, तो ए प्लस 39 डी जुड़ गया पहले पद में, 9 प्लस 39 गुणा में डी का मान 2, 9 प्लस 39 गुणे 78 कुल मिला के हो गया 87। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी समांतर श्रेणी में नौवां और तीसरा व नौवां पद क्रमशः चार और माइनस 8 है, तीसरा और नौवां पद क्रमशः
चार और माइनस आठ है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा? तीसरा व नौवां पद क्रमशः चार और माइनस आठ है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन से पद के बाद जो भी मान आता है वो श्रेणी का अंतिम पद माना जाएगा, ए एन का मान होता है वो। तीसरा पद और नौवां पद दिया है तो तीसरे पद की समीकरण बनाएं, ए थ्री बराबर ए प्लस दो डी होती है, यानी ए प्लस दो डी का मान दिया है चार, समीकरण आ गई एक। दूसरा फिर नौवां पद यानी ए नाइन, ये होता है ए प्लस आठ डी, तो फिर ए प्लस आठ डी का मान हो गया माइनस का आठ, ये होगी समीकरण नंबर दो। उसी अनुसार बीच में पद दिए नहीं हैं, पहला पद नहीं दिया, एक ए थ्री है और एक ए नो है, इन दोनों के मान दिए हैं, छोड़ के पद दिए गए हैं, स्टार्टिंग के दो छोड़ दिए, फिर बीच के पद छोड़ दिए, फिर नो दे दिया। ऐसे कभी भी पद दिए जाएँ, फिर कोई अन्य पद पूछे जाएँ तो हमेशा ही इस प्रकार से समीकरण बनाई जाती हैं। जैसे ए थ्री ए प्लस दो डी होता है, इसका मान चार दिया है, ए नो ए प्लस आठ डी होता है, इसका मान माइनस आठ दिया है। समीकरण एक में से दो को घटाएं, घटाने पर निशान बदलेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए प्लस का ए माइनस का। अब माइनस का है आठ डी, प्लस का है दो डी, तो माइनस का छः डी ज़्यादा है, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, बारह हो गए, डी बराबर बारह बटे माइनस का दो, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, दो का भाग बारह में देंगे तो छः, तो डी का मान सॉरी छः था यहाँ गुणा में छः आएगा, और छः का भाग देंगे बारह में तो दो आएगा माइनस का। अब डी तो आ ही गया है, डी का मान समीकरण एक में रख दें, यहाँ से उठाकर इसमें रख देंगे डी के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस दो गुणा डी का मान माइनस दो बराबर है चार, ए प्लस माइनस का गुणा माइनस, दो दुनी चार बराबर है चार, ए बराबर चार, ये माइनस का चार है इधर जाकर प्लस का चार हो जाएगा, ए बराबर आ गया आठ। अब देखिए हमारे पास पहला पद आ गया आठ, ए का मान आठ आ गया, डी का मान माइनस दो आ गया और ए एन का मान शून्य आ गया। कौन से पद के बाद जो भी मान होता है वो ए एन का मान लिया जाता है, ये पूछ रहा है कि जीरो कितने नंबर पे आएगा, तो आपको नंबर बताना है तो इसको अंतिम पद मान करके और फिर हम बताएंगे कि ये कितने नंबर पे आएगा, यानी एन का मान आपको बताना है। तो ये चार पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि ए पहला पद, डी सार्व अंतर, ए एन अंतिम पद, एन पदों की संख्या, इसमें से तीन मान कोई भी दिए जाएं और चौथा मान निकालना हो तो सूत्र ये लगाया जाता है, ए प्लस एल माइनस ए गुणा डी बराबर ए एन। अब इसमें मान रखें ए के स्थान पे आठ आ गया, एन माइनस एक जैसे का जैसे आ गया क्योंकि एन का मान है नहीं, डी का मान माइनस दो आ गया और ए एन का मान जीरो आ गया, आठ यहाँ प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी जीरो माइनस आठ और ये दो जो गुणा में है माइनस वाला ये यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये बच जाएगा एन माइनस एक, ये आठ था उस साइड में चला गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस दो इसके गुणा में था इसे भाग में चला गया, बचा यहाँ से एन माइनस एक, तो एन माइनस एक बराबर माइनस आठ बटे माइनस दो, एन माइनस एक बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, आठ में दो का भाग देंगे चार, एन बराबर चार प्लस एक आ जाएगा, एन बराबर चार और एक पाँच आ जाएगा, यानी कि हमें पता चल गया कि शून्य जो है वो कितने नंबर पर आएगा श्रेणी में, तो पांचवा पद जो होगा श्रेणी का वो शून्य होगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर तीन चार, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद सोलह है, इसी प्रकार का क्वेश्चन हो रहा है आगे,
किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है एम, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई 50-100 पद ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी के 4 से 5 पद ज्ञात करने होते हैं। जब भी समांतर श्रेणी पूछा जाए ज्ञात करने के लिए तो 4 से 5 पद हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए वही बात फिर है। यहाँ पर एक तो हमें तीसरा पद दिया है, स्टार्टिंग के 2 नहीं दिए, उसके बाद 7वें और 5वें पद में अंतर दिया है, आगे कोई पद दिया ही नहीं है। तो वही सिस्टम करना पड़ेगा, हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। जैसे तीसरे पद की a प्लस 2d होता है और इसका मान हो गया हमारे पास 16। तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d, मान हो गया 16, समीकरण 1। दूसरा फिर हमें एक तो दिया है, 7वां और 5वें पद का अंतर, तो 7वां पद a7 होता है जिसको लिखते हैं a प्लस 6d, 1d कम लिखा जाता है, पहले पद में जोड़ा जाता है। और 5वां पद जो है उसको a5 को लिखते हैं a प्लस 4d। अब दोनों में अंतर दिया है 12, कि 5वें पद से 7वां पद 12 ज़्यादा है, तो फिर इनको घटाओ करें, घटाने पर अंतर आएगा। अगर 7वें पद में से 5वां पद घटाएं तो फिर 12 का अंतर आता है, यानी a7 माइनस a5 बराबर 12 का अंतर है। अब a7 का मान है हमारे पास a प्लस 6d, तो ये लिख देंगे a प्लस 6d, घटाओ में ये a5 के मान ये दोनों हैं, ये माइनस के निशान के बाद आने हैं। जब भी कोई संख्या माइनस के निशान के बाद आए तो उसके निशान बदल जाते हैं, तो ये दोनों ही प्लस के हैं, लेकिन जब इस माइनस के बाद आएंगे तो दोनों ही मान माइनस के हो जाएंगे a माइनस 4d घटाने पर, और बराबर आ जाएगा 12। अब देखिए a प्लस का है, a माइनस का है, कैंसिल हो गया, 6d प्लस का है, 4d माइनस का है, तो 2d बच गया, बराबर आ गया 12। d बराबर देखिए 12, ये 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 6, 6 × 12। अब d का मान हमारे पास आ ही गया है, a का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो समीकरण 1 में मान रख दो, a का मान आ जाएगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 × d का मान है 6 हमारे पास, a का a आ गया, प्लस आ गया, 2 का 2 आ गया, गुणा में d है, तो d का मान गुणा में 6 लिख दिया है, और बराबर है हमारे पास 16। a प्लस 6 × 12 बराबर है 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर आ जाएगा 4। अब a का मान भी है और d का मान भी आ गया। अब बताना है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो a पहला पद तो होता ही है, ये श्रेणी का पहला पद हमारे पास आ ही गया, तीसरा पद इसने 16 दिया ही है, तो हम ज्ञात करेंगे a2 का मान, a प्लस d, a का मान हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमने निकाला है, d का मान हमारे पास 6 है जो यहाँ निकाला है, दोनों का जोड़ हो गया 10। दूसरा पद आ ही गया a3, यानी तीसरा पद इसने दिया है 16, हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा पद 16 दे रखा है। चौथा पद देखिए a4, a प्लस 3d, a का मान 4 है, 3 × d का मान 6 है, 4 + 6 = 18, ये आ गया 22। तो अब हमारी समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई हमें, पहला पद जिसका 4 है, दूसरा पद जिसका 10 है, तीसरा पद 16 है,
चौथा पद 22 है, डैश 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 अंतिम पद एन। तो इस प्रकार से ये हमारी समांतर श्रेणी हुई कि पहला पद यहाँ 4 आ गया था, दूसरा पद हमने 10 निकाल दिया ए टू का मान, तीसरा पद हमें फिर दे रखा है श्रेणी में वो लिख दिया 16, चौथा पद हमने फिर निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम पदों को ज्ञात कर सकते हैं और बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।